उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सेरा देवल मंदिर और भड़कटिया समेत 10 ग्राम पंचायतों का आम रास्ता बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद किए जाने से कॉलेज भड़कटिया के छात्र छात्राओं के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गांव वालों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समस्या को हल करने के लिए कहा है। गांव वालों ने समस्या हल नहीं करने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। गांव वालों का कहना है कि आज से लगभग 55 साल पहले सेना और सुरक्षा विभाग ने हमारे दोनों क्षेत्र की पूर्ण भूमि अधिग्रहण कर ली थी। भूमि पर अभी भी क्षेत्र के पौराणिक मंदिर पनघट भी मौजूद हैं। पूर्व में सेना और जनता के बीच समझौता हुआ था कि मंदिर और पनघट की तरफ जाने वाले रास्ते को ग्रामीणों के लिए नहीं रोका जाएगा। इस बात का लिखित में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी का पत्र भी है, लेकिन अब क्षेत्र की जनता को स्कूल और पौराणिक मंदिर के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे सांस्कृतिक कार्य, पूजा पाठ के शुभ कार्य और स्कूली बच्चों के आगे बाधाएं आ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि सेरा देवल 22 गांव का मुख्य पौराणिक मंदिर है, लेकिन मंदिर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं 2 दिन पहले विधायक मयूख मेहर ने भी DM से मुलाकात कर शिवरात्रि से पहले बंद किए गए मार्ग को खोलने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मार्ग नहीं खोला गया तो ग्रामीण किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।